और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं, जिसमें बीजेपी के प्रद्युमन सिंह तोमर ने मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट यानी कि ग्वालियर से चौथी बार विधानसभा चुनाव जीता है। बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस उम्मीदवार सुनील शर्मा को करीब 20,000 वोटों के अंतर से हराया है। प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपनी जीत के बाद कहा कि ग्वालियर की सेवा, विकास और सम्मान के चलते यह चुनाव जीता गया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की सेवा करते रहेंगे और इन्हीं की सेवा के चलते हमें को बंपर जीत मिली है। चुनाव जीती है पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व सम्माननीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय नड्डा साहब, माननीय अमित शाह साहब, माननीय श्रीमद ज्योतिराज सिंधिया जी, माननीय शिवराज सिंह जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीती और कमल खिला है। कांग्रेस बड़े कमलनाथ के लिए क्या कहेंगे? मैं कल भी मैंने कहा और आज भी कह रहा हूँ। मैं आपसे मतलब आम जन से पूछो, वो पूछ रहे थे कोरोना काल में कहाँ थे कमलनाथ, जब बाढ़ आई तब कहाँ थे कमलनाथ, जब ग्वालियर पे संकट आए कई बार तब कहाँ थे कांग्रेस और कमलनाथ, ये जनता पूछ रही थी। तो नहीं दिखे ना, तो जनता ने कहा जब तुम दिख ही नहीं रहे, हमारे काम ही नहीं आ रहे, तो फिर जाओ ना दिल्ली। हो गई।